मेरी ये पहली ऑफिशियल ट्रिप है जो आज से स्टार्ट हुई है. मैंने लगभग 8 से 9 महीने पहले टीए ज्वाइन किया था एंड दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. ये पहला ब्रेक था क्रिकेट से, तो मैंने बोला सबसे पहले मैं आई विल ट्राई टू गो टू द फ्रंट लाइन पोस्ट, जिसके लिए आज मैं यहाँ पे हूँ. एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग क्योंकि आज क्लोज रेंज में पता चलता है कि क्या चैलेंजेस हैं डे टू डे लाइफ में. ऑफिसर्स या जवान्स किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं और यू नो हर पोस्ट का या डिफरेंट पोस्ट का क्या स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस होता है. सो अभी तक काफ़ी दूर से मैं आर्मी को जानता था, अब काफ़ी पास से जान रहा हूँ. और आज का दिन इसलिए भी मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है कि मैं फर्स्ट टाइम किसी फॉरवर्ड पोस्ट पर आया हूँ. और इसलिए भी कि यहाँ पे फैमिली साल में एक बार आती हैं और आज वो दिन है जब फैमिलीज यहाँ पे हैं. सो एक चांस मिला कि उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकें. सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग फॉर मी. होपफुली नेक्स्ट फ्यू डेज विल बी रियली एक्साइटिंग. दिस इज अ प्लेस वेयर फ्रॉम वी हैव सीन लॉट मेनी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स टेक प्लेस. व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज यू वांट टू गिव पाकिस्तान व्हाइल सिटिंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल? वेल, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन, यू नो, बिकॉज़ what we want is non-violence, but at the end of the day, we are here to protect the interest of our country, for which our jawans and officers are positioned over here, and for which they go through a rigorous training method, and also, you know, they do a lot of sacrifice for it. So we are up and ready for it. You know, we don't want any sort of violence, but you know, we are up and ready for anything. Any message to Pakistan? Special message to Pakistan? I don't want to name a country, you know. I'm here for my country and, you know, for our jawans and the officers and their families. So I would try to restrict my statement to them, you know. Manisa, you said that Pakistan's team should also come to Hindustan. Sir, one second. So Pakistan's team should also come to Hindustan. You invited them. Do you understand that Pakistan's team should also come to Hindustan and play Hindustan in a series of matches? Your statement? Well, if you see, then somewhere or somewhere, it is necessary to start. And sports is such a medium that crosses all international boundaries. सो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो जो दो बोर्ड्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कब खेलना है या कब नहीं खेलना है. एंड यू नो वंस दे डिसाइड, यू नो, एज अ क्रिकेट प्लेयर आई रिप्रेजेंट माय कंट्री एंड आई हैव टू गो ऑन द फील्ड एंड परफॉर्म. सो विल सी, यू नो, कब हमारा फ्री टाइम है, कब कौन सी टीम है. सचिन और आप दोनों में ऑन हैं और एक रोल मॉडल है आर्मी के लिए. क्या आपको लगता है कि सचिन तो राज्यसभा में चले गए, क्या आपको भी कोई ऐसा पॉइंट है कि ज्वाइन करने का पॉलिटिक्स के बाद? नहीं सर, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहूँगा. यू नो अभी अगर आप देखें, अगर मैं झारखंड से रिप्रेजेंट करता हूँ, यू नो मैं झारखंड से हूँ, तो I don't want to restrict myself to one of the parties. You know, मैं चाहता हूँ कि देश के साथ मेरे स्टेट का भी डेवलपमेंट हो. यू नो, कौन सी पार्टी पावर में हो, यू नो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस मेरे ये रखता है कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ जिसके कारण मेरे स्टेट में अच्छे डिसीजन लिए जाए और डेवलपमेंट. Well, I'll answer the second question first. You know, if you see, you know, the main reason why I got here or how I got here is because of cricket. But yes, I would like to serve. You know, I would like to serve actively, but that will be only after cricket, because I don't want my cricket to suffer, because, you know, that's something where I am good at.